सभी को जय मसीह की जीजस और इस रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में यीशु मसीह का प्रचार किया। आपको विश्वास नहीं आ रहा, बिल्कुल। मैं आपको आज वीडियो बताने वाला हूं कि पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में पूरे भारतवासियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, नरेंद्र मोदी भी बाइबिल को पढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी भी परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पिछले दिनों में मन की बात में दूरदर्शन के द्वारा भारतवासियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और किस प्रकार का सुसमाचार सुनाया मैं आपको पहले बता देता हूँ। लुका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 4 तक का सुसमाचार सुनाया। उस वचन में क्या लिखा है, फिर उसने आग उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। वचन के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। तो सबसे पहले हम उनका वीडियो देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और ऐसे ही हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी प्रभु के दास खड़े हो जाएं और भी परमेश्वर इस्तेमाल करें ताकि पूरे भारतवर्ष में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलने पाए। आज जिस जगह में यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैला है वो जगह में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलने पाए। इसलिए हमें भारत देश के लिए भी प्रार्थना करना है कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, शैतान की गुलामी में बैठे हुए हैं, वो शैतान की गुलामी से आजाद हो जाए और अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।